नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का टॉप 20 बुलेटिन। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बवाल के बाद बड़ी कार्रवाई, थाना फेस टू के प्रभारी सस्पेंड। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर से गिराया अवैध निर्माण। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर के डोडा और जम्मू जिले में की छापेमारी। आज फिर कोर्ट में पेश होंगे संजय राउत, ईडी कर सकती है हिरासत बढ़ाए जाने की मांग। बिहार में गहराया सियासी घमासान, टूट सकता है जेडीयू बीजेपी गठबंधन, अगले एक दो दिन में ऐलान संभव। खड़गे को ईडी के समन पर भड़की कांग्रेस, स्पीकर ने कहा सांसदों का अपमान रोके। राजस्थान के खाटू श्याम मेले में मची भगदड़, तीन महिलाओं की मौत, मुख्यमंत्री ने जताया दुख। रंजीता कोहली पर खनन माफिया ने किया हमला, खेतों में भागकर बीजेपी एमपी ने बचाई जान। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी, रिटायर्ड कांस्टेबल की पत्नी और नातिन की गला काटकर हत्या। यूपी के ललितपुर में यात्री को चलती ट्रेन से बाहर फेंका, पेंट्री कार मैनेजर पर आरोप। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,26,730 पर पहुंचा। शुरुआती कारोबार में 22 पैसे गिरा रुपया, एक डॉलर की कीमत हुई 79.46 रुपए। पांचवें और आखिरी T20 मैच में 88 रन से जीता भारत, वेस्टइंडीज को हरा 4-1 से जीती श्रृंखला। एशिया कप 2022 के लिए BCCI आज करेगी टीम इंडिया का ऐलान, 27 अगस्त से UAE में खेला जाएगा टूर्नामेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मुक्केबाजी में निकहत पंघाल और नीतू को गोल्ड, सागर ने जीता सिल्वर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंशिता और श्रीजा की जोड़ी ने रचा इतिहास, टेबल टेनिस में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन महिला डबल्स में भारत की जोली ट्रीजा और गायत्री गोपीचंद ने जीता ब्रॉन्ज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रजत से करना पड़ा संतोष, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 9 रन से हराया। गाजा पट्टी पर इसराइल का हवाई हमला, आतंकी संगठन के 2 शीर्ष कमांडर ढेर। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र पर गोलीबारी से खतरा बढ़ा, IAEA ने जताई गंभीर चिंता। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।